टैग गुरु मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपको एक 12 वोल्ट का स्टेप डाउन सर्किट दिखाने जा रहे हैं। ये 12 वोल्ट का स्टेप डाउन सर्किट है। इसमें आप 12 वोल्ट देकर और 12 वोल्ट से नीचे जीरो तक कंट्रोल करके इसमें आप वोल्टेज ले सकते हैं, यानी कि जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको जितनी भी जरूरत है उसके अनुसार वोल्टेज ले सकते हैं। जितनी भी आपको सर्किट की सर्किट में जहां 5 वोल्ट की जरूरत है तो 5 वोल्ट ले सकते हैं, 9 वोल्ट की जरूरत है तो 9 वोल्ट ले सकते हैं। तो ये सर्किट बहुत ही काम का है और 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा ये। तो ये हमारे पास 12 वोल्ट का अडॉप्टर है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये सर्किट जो है इसमें ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव से लगाते हैं और नेगेटिव नेगेटिव से। तो इस तरह से हमने इसमें 12 वोल्ट डीसी का करंट दे दिया है। और अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं इनपुट, पहले इनपुट चेक करते हैं। इनपुट हमारी 12 वोल्ट समथिंग है और अब हम आउटपुट चेक करेंगे। ये हमारी 12 वोल्ट आउटपुट है। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये 1.74 वोल्ट निकल ली है। और अभी हम इस प्रीसेट को ऐसे घुमाते हैं तो ये वोल्ट बढ़ गई। और देखा वोल्ट के साथ इसमें एक एलईडी भी जल गई है। ये 5 वोल्ट है, ये हमारी 6 वोल्ट हो गई, 7 वोल्ट और ये 8 वोल्ट हो गई, 9, 10, 11, ये 11 वोल्ट तक हमें इससे मिल गई। वापस हम करेंगे फिर ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5, 3, 2 और ये हमारी 1.30 वोल्ट तक, 1.30 वोल्ट हमें इस पर कम से कम मिल गई। तो ज़्यादातर वोल्ट में हमें कभी एलईडी, ज़्यादातर एलईडी जो एलईडी स्क्रीन होती है उसमें हमें 3 वोल्ट की भी जरूरत पड़ती है, 5 वोल्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो और मोस्टली हर सप्लाई में एलईडी की या टीवी की सप्लाई में 12 वोल्ट आसानी से मिल जाती है। तो हम इसमें 12 वोल्ट देकर और 12 वोल्ट से नीचे 1.3 से लेके और 12 वोल्ट तक जो भी वोल्ट हमें चाहिए वो इस सर्किट से आराम से मिल जाती है, यानी कि हमें इसमें और बिल्कुल एक्यूरेट वोल्ट मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है, अब देखो हमने ये 1.48 पर रुकी है तो ये यहीं पर ही एक्यूरेट वोल्ट मिलती है। और ये हमें सर्किट में, खासकर टीवी के सर्किट में, एलईडी स्क्रीन के सर्किट में, तो और जगह भी जहाँ पे हमें कम वोल्ट की जरूरत होती है, 1.3, 1.8, 2.7 आदि इन सब वोल्ट की जरूरत होती है, तो ये सर्किट से हम आसानी से वो वोल्ट जहाँ से दो तार निकाले और हमें जहाँ भी जरूरत चाहिए वहाँ पे वो सोल्डिंग करके और इस सर्किट को हम अपने यूज के लिए अपने यूज में ले सकते हैं। तो देखा ये स्टेप डाउन सर्किट है, 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट से नीचे जीरो तक हम इससे सर्किट से कम कर सकते हैं। यानी कि कई बार हमें 12 वोल्ट मिलती है और हमें ज़रूरत होती है 5 वोल्ट की, तो हम कैसे करें? तो उसके लिए बहुत बेहतर सर्किट है ये, इसको 5 वोल्ट का स्टेप डाउन सर्किट बोलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी टेक्निकल संबंधी वीडियो, कैमरे और एडिटिंग से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, आपको और क्या देखना पसंद है। तब तक के लिए धन्यवाद।